बात करना चाहता हूँ। किस लिए बात करना चाहते हो? मैंने सुना है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आता है। हाँ आता है जीरो। मतलब वो जीरो कैसे आता है? 200 यूनिट फ्री आते हैं ना, 200 यूनिट फ्री मिलते हैं। अच्छा, तो आप मेरे को बिल दिखा सकते हो? हाँ बिल है हमारे पास में। हाँ तो प्लीज दिखाओ। हाँ दिखाती हूँ अभी, जरा बिजली का बिल देना जरा। ये है हमारा बिजली का बिल फ्री। जो मित्रों तुमने देखाड़ू, खरेखर जीरो बिल से जो तो पानी भी आपको मुफ्त मिलता है। हाँ पानी भी मुफ्त मिलता है हमें, जैसे बिजली फ्री मिली तो ऐसी पानी फ्री मिल लिया। मैंने यहाँ सुना है कि दिल्ली में पानी का बिल जीरो आता है। हाँ सर बिल्कुल जीरो आता है, 20,000 लीटर पानी हमारा बिल्कुल दिल्ली में फ्री है। और क्या क्या सुविधाएं देते हैं? सर राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। हेल्पलाइन हमें 1076 जो कॉल करने पर वहाँ से लोग आते हैं और आपकी पूरी डिटेल घर पे फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे, लाइन लगने की कोई जरूरत नहीं आपको। मैंने सुना है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आता है। बिल्कुल आता है। तो जीरो कैसे आता है? 200 यूनिट सरकार ने हम लोगों को फ्री दे रखा है। अच्छा जी, मतलब आपको 200 यूनिट फ्री है फ्री। और अगर 200 यूनिट से ज्यादा आया तो 10-20 रुपए ज्यादा आया। गर्मी का मौसम है या ऐसे मौसम चल रहा है, ज्यादा नहीं आता। अच्छा 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं आता कभी। तो मेरे को आप बिल दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं, प्लीज दिखाइए ना बेटा। अंदर से बिल ले आना जाके। ये रहा हमारा बिल। अरे જોઈએ એમનું બિલ કેટલું આવ્યું છે। જો મિત્રો આમનું બિલ માત્ર 10 રૂપિયા આવ્યું છે। કેટલું? 10 રૂપિયા। મને તો વિશ્વાસ જ નથી આવતો। આપકા ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ તો સિર્ફ 10 રૂપિયા આયા હે। અહીં આપકો પાણી ફ્રી હે કે ઉસકા ભી બિલ આતા હોગા? પાણી કા કોઈ બિલ નહીં આ રહા, પાણી ફ્રી હે અભી। आपका यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट चल रहा है? जीरो बिल आता है। तो आप मुझे आपका बिल दिखा सकते हो? हाँ मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन बिल बिल ये BSES का बिल है और इस पे जो बिल ड्यू जो है वो एकदम जीरो है, कोई कुछ बिल नहीं, ये पेमेंट है। तो तुम्हें जो ही सको जो आमनू बिल खरेखर जीरो रुपया आयु है। कितना? जीरो रुपया। मतलब जो पहले हालात थे ना कि 10,000 8,000 एक झुग्गी में रहने वाले लोगों के भी 10,000 बिल आते थे। अच्छा। आज वो आराम से सुकून से रह रहे हैं और 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री है दिल्ली के अंदर। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं दी है आपको दिल्ली में? आज अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। दिल्ली के स्कूल जो है वो आज जो है वर्ल्ड के इंटरनेशनल क्लास अगर बोलते वो है। अच्छा। पहले अस्पतालों में जो है बहुत बुरा हाल होता था। अच्छा। हर जगह गंदगी होती थी, हर जगह मतलब जाने को भी दिल नहीं करता था लोग। अच्छा। प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागते थे, लेकिन गरीब जो है वो तड़प तड़प के मर जाता था। एक और सुविधा उन्होंने दी जो बहुत अच्छी है, अगर अस्पताल किसी भी टेस्ट की 1 महीने से ज़्यादा की डेट देता है तो आप उसको प्राइवेट अस्पताल में जो है टेस्ट करा सकते हो, उसका पैसा जो है वो सरकार भरेगी। अच्छा, ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मिलती है? बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो ये केजरीवाल जी कर कैसे लेते हैं ये सब? देखो केजरीवाल जी का सीधा सीधा साधा वो है ईमानदारी। अच्छा, मान लिया जाए किसी एक बिल्डिंग को बनाने में या किसी ब्रिज को बनाने में पहले 1,000 करोड़ लगते थे। अच्छा। 1,000 करोड़ में से 500 करोड़ तो नेता अधिकारी यही खा जाते थे। अच्छा। तो वो पैसा उनका सीधा कहना है कि ईमानदारी से काम करते हैं, उसको बजट कम करते हो, उस पैसे को लोगों में देते हैं, यानी कि लोगों का पैसा लोगों में जा रहा है। अच्छा, यहाँ के पब्लिक को सब फायदा देते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल।